मैं अर्चना, वेलकम टू सोगानेस किचन। आज हम बनाएंगे कमरक मिर्च का अचार। कमरक टेस्ट के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नई रेसिपीज के लिए। कमरक का अचार बनाने के लिए हमने 250 ग्राम कमरक लिए और 6-7 हरी मिर्च ली है। कमरक का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके एजेस को कट कर लेंगे। इसका ऊपर और नीचे का पोर्शन हटा देंगे और इसको लंबा लंबा कट कर लेंगे। इसके जो एजेस होते हैं, हर एजेस पे से कट करेंगे। इसका जो सेंटर का सीड वाला पोर्शन है, इसको हटा देंगे। हमने सभी कमरक को लंबा लंबा काट लिया है और मिर्च को भी इतना लंबा काट लिया। मिर्च के सीड्स हमने निकाल दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें हम डालेंगे तेल। हमने एक बड़ा चम्मच तेल लिया है। अचार में तेल थोड़ा ज्यादा ही डलता है। हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। अचार बनाने के लिए तेल को एक बार अच्छा गर्म ही करना होता है। तेल अच्छा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून जीरा। जीरा अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे कमरक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज्यादा कर लें। इसको अब हम 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम कमरक को चेक करेंगे। अब आप देखेंगे कि कमरक गल गई है। कमरक के गलने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ, इसको हमने मोटा मोटा पीस लिया है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस फ्लेम को हमने कंटिन्यूस मीडियम फ्लेम पे रख रखा है। अब हम इस अचार को 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए। मसाले को पकाते समय हम कढ़ाई को खुला ही रखेंगे, कढ़ाई को हमें कवर नहीं करना है। मसाला अच्छे से पक गया है और मिर्च भी हल्की सी गल गई है। मिर्च को हमें ज्यादा नहीं गलाना है, हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। अचार बनके तैयार है। अचार के ठंडा होने के बाद आप इसे कांच के बोट में भर के फ्रिज में रखें। ये अचार 10 से 15 दिन तक खराब नहीं होता। कमरक मिर्च का अचार बनके तैयार है। ये अचार आप घर पे जरूर बनाएं। इसको खाने में किसी भी सब्जी के साथ सर्व किया जाता है तो खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है। प्लीज आप इस अचार की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।